ताई ने फोन उठाया? नहीं। ताई फोन क्यों नहीं उठा रही है? जीजू मिले भी होंगे या नहीं? प्रशांत मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, चल अंदर चल के देखते हैं। मनु तू देख के आना, मैं टैक्सी में रुकता हूँ। तू अंदर नहीं आएगा? नहीं। क्यों प्रशांत? मनु जिन लोगों ने हमें धोखा दिया मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता, मुझे वही शादी का दिन याद आएगा। और तू जाना। प्रशांत जब ताई को पता चलेगा तो उसके ससुराल आकर भी अंदर नहीं आया तो उसको कितना बुरा लगेगा। बुरा तो उसे तब लगेगा जब मैं उसके ससुराल वालों से ढंग से बात नहीं करूंगा। तू जाना। ठीक है मैं जा रही हूँ, तू इधर ही वेट कर। अंकिता की बहन, और वो भी इस हालत में। मानसी, अंकिता की बहन राइट? हाँ, वो मैं एक्चुअली ताई को देखने आई थी। आई नो आप अपनी ताई से मिलने आओगे, बट हैव अ सीट ना। लुक एट यू, कितना भीग गए हो आप, ठंड लग रही होगी। रुको मैं आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, वो बस आप ताई को बुला दीजिए। कम ऑन हैव अ सीट, आप अभी तक खड़े हो। सी यू आर माय गेस्ट, मेहमान नवाजी का मौका तो दो। वो एक्चुअली हमें बहुत चिंता हो रही है, ताई और जीजू मंदिर के बाहर से गायब हो गए राइट? हाँ, और फिर ताई रुशाली मैम से बात करने के लिए यहाँ आई और वो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं और प्रशांत उनको लगातार फोन कर रहे हैं, तो मैं देखने आगे क्या वो यहाँ पर है। प्लीज आप ताई को बुला दीजिए ना। वो सब छोड़ो मानसी, लुक एट योरसेल्फ, आप कितना भीग गए हो। ये लो पहुंचो अपने आप को, कम ऑन। थैंक यू, आप एक बार ताई को बुला दीजिए बस। ओके ठीक है, मैं बुलाता हूँ, यू जस्ट रिलैक्स ओके, बी कंफर्टेबल। रमेश इधर आओ, एक काम करो मैडम के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओगे? नहीं नहीं चाय में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कॉफी लोगे आप? नहीं, आप इनको बोलिए ना, बस आप ताई को बुला लीजिए। रमेश आप एक काम करो, अंकिता वहिनी, आई एम सॉरी, आहाना वहिनी को बुला के लाओ और उनसे कहो कि उनकी छोटी बहन मिलने आई है, ठीक है? पर आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो आपका रिश्तेदार हूँ, आपकी दीदी का देवर। ताई कहाँ है तू? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्रशांत मुझे पता है, मैंने तेरी मिस्ड कॉल्स देखे। सॉरी मैं तुझे फोन नहीं कर पाई थोड़ा, लेकिन हाँ नरेन सब मिल गए हैं, वो ठीक हैं बिल्कुल, तो चिंता मत कर। चलो अच्छा है, ताई हमें थोड़ी चिंता हो रही थी तो हम तेरे घर आ गए। तुम लोग घर आए? हाँ ताई, मनु अंदर आई। मनु अंदर गई और अच्छा किसने बुलाया भी नहीं। अच्छा तू कहाँ है? नहीं ताई मैं बाहर हूँ टैक्सी में। तो अंदर आना, तो बाहर क्यों खड़ा है? नहीं नहीं ताई मैं यहाँ ठीक हूँ। यहाँ तक आया है, मैं ताई से मिलने नहीं आएगा? ताई मैं अंदर आऊंगा तो बेकार में तेरे ससुराल वालों से अनबन हो जाएगी। ताई तू एक काम कर, मनु को बाहर भेज दे, मैंने टैक्सी रुकवाई रखी है। शान पेरी रिलैक्स रिलैक्स, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और आई नो ये काफ़ी नया है बट जैसे जैसे आप हमारे घर आते रहोगे ना, द बॉन्ड बिटवीन आर रिलेशनशिप विल ग्रो। मानसी ताई, ताई मानसी मैं और प्रशांत कब से तुझे? मुझे पता है, मुझे अभी अभी प्रशांत का फोन आया था। जीजू वो ठीक है मानसी, वो ऊपर है। तू एक काम कर, तू भी जा, हम बाद में बात करेंगे। हाँ तू ध्यान रखना अपना। वेट मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इतनी रात को बारिश भी हो रही है, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। एक सेकेंड, कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। मेरा भाई आया है, टैक्सी में बैठा है बाहर, आप मत करिए इतना कष्ट, ये चली जाएगी। थैंक यू, तुम जाओ। बाय मानसी, सी यू सून। ये क्या बदतमीजी थी? बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? यही जो तुमने अभी किया। अरे तुम्हारी बहन आई, मैंने उसकी खातिरदारी करी, नहीं करता तो तुम कहती कि यू डिडंट एंटरटेन। एक बात कान खोल के सुन लो, मिस्टर रौनक करमरकर
मेरी बहन की तरफ गलती से भी आंख उठा कर मत देख, समझे? So good कि तुम मेरे सारे intentions जानती हो। तो तुम्हें पता ही है कि you know खूबसूरत चीजों का बहुत शौक है मुझे, और जब भी कोई खूबसूरत चीज देखता हूँ ना तो बस मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और रही बात रिश्ता निभाने की, तो केवल रिश्ते के खातिर ही आज उस फूल को केवल मैंने तारीफ करके छोड़ दिया, वरना अगर उस फूल को मैं अपने कमरे के फूलदान में चाटा पड़ेगा ना जुर्का। याद है ना पहले थप्पड़ खाया था? मैं तुम्हें बता रही हूँ रौनक, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, अपनी हद में रहो। तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। क्या करोगी तुम? What will you do? क्या करोगी? मॉम से शिकायत करोगी, राइट? हाँ, और जिस तरह मॉम ने मुझे ऑफिस से निकाला था, वो घर से भी निकाल देंगी। Yes. Favorite बहू। You're so innocent, you know? कितनी भोली हो। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मॉम मुझे घर से निकालेंगी। ऑफिस से तो उन्होंने मुझे मजबूरी में निकाला था, लेकिन घर से नहीं निकाल सकते। एक ही तो नॉर्मल बेटा है उनका, क्योंकि दूसरा बेटा आई मीन योर हस्बैंड, वो तो Shut up. तुम रुकी क्यों? जाओ ना, गो कंप्लेन, जाओ ना, मुझे घर से निकलवाओ, गो। अच्छा हाँ, एक बात बताऊं, पता तुम गुस्से में इतनी खूबसूरत लगती हो, सो ब्यूटीफुल। बस रौनक, बस औरतों के साथ बदतमीजी करना बंद करो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना पता नहीं कोई तुम्हारे सामने खड़ा रहे या ना रहे मुझे परवाह नहीं, लेकिन इन सारी बातों के खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे आगे, समझे तुम? ये भाभी और देवर की प्यारी सी नोक झोंक, I'm so loving it, you know? अब हमारे घर में रोज फ्री का नया एंटरटेनमेंट होगा, एवरी डे। आपको क्या लगता है क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हैं आप? घर बना रहा हूँ। अरे सर, आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप मुझे मंदिर में अकेले छोड़कर आ गए? आपने एक बार नहीं सोचा कि मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी, कैसे ढूंढूंगी? आप यहाँ आ गए? आपको क्या लगता है नरेंद्र सर कि दुनिया आपकी मर्जी से चलती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझते हैं आप अपने आपको, बड़ी क्या समझते हैं? नरेंद्र करमरकर, मिस्टर नरेंद्र करमरकर, ये कोई खेल नहीं है। मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी है, मेरे भाई बहनों का भविष्य आपसे जुड़ा है। इतने लापरवाह नहीं हो सकते। कैसे मुझे छोड़कर आ गए? आपने एक बार मेरे बारे में छोड़िए, अपने मॉम डैड के बारे में सोचते हैं। उन लोगों ने मुझे कितना डांटा, कितना सुनाया, पता है आपको? क्योंकि आप खो गए थे। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर, सब जगह, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? आपकी मॉम डैड ने पुलिस को बुला लिया, मैं क्या कहती, किसे बोलती कि कहाँ चले गए सर? और आप आए और आपने इतना नॉर्मली रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका? और यहाँ की ये घर बना रहे, क्या घर बना रहे, क्या घर बना रहे? तुमने मेरा घर तोड़ दिया। मैं किसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? मैं भूल गई कि आप तो कुछ समझ ही नहीं सकते, तो पागल है। मैं तो पागल हूँ। नहीं, ठीक कह रही हो तुम, अभी तक सब लोग कहते थे, अब मेरी आना भी मुझे पागल ही कहने लगी। मैं पागल हूँ, मैंने गलती से बोल दिया सब, ऐसा इरादा नहीं था सब, मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं सॉरी। नहीं नहीं आना, तुमने कहा है तो पागल ही होगा। सीरियस, मैं पागल हूँ। अब तक मैं नहीं मान रहा था कि शायद बाकी लोग पागल हैं, पर अगर अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो मैं I'm very sorry. Please, तुम रो मत, please. I'm sorry, sir. आना तुम. मैं किसी और का गुस्सा आप पे निकाल रही थी. I'm really sorry. Okay, please, रो मत. एक बिल्कुल अच्छा लगता तुम रोती हो.
तुम किसी का भी गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो, मुझे डांट सकते हो, मुझे मार सकते हो, मुझे पागल कुछ भी बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। अपनों के साथ ही तो फीलिंग शेयर होती है ना, तो अगर तुम मेरे साथ नहीं करोगी तो किसके साथ करोगी? आई लव यू, आई रियली लव। अर्जुन कैसा है ये? This is, I don't know actually, मुझे पता नहीं कि पिया की चॉइस क्या है, so I don't know, उसे आएगा ये सब पसंद? हाँ, अच्छा तो लगेगा, but I guess कलर थोड़ा डल है, actually इसे ब्राइट कलर्स ज़्यादा पसंद है। ओह, तो फिर तुम ब्राइट कलर्स में क्यों नहीं देखती? हाँ, कुछ और है आपके पास? Anything different, कोई दूसरा पैटर्न? सर आप ऊपर चले जाइए, वहां पर बहुत सारा कलेक्शन है। May I help you, ma'am? मुझे मेरी बेटी के लिए अनारकली सूट्स देखने हैं। अनारकली के तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं। वैसे मैम आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 20 साल की। आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी 20 साल की बेटी होगी। थैंक यू। वेल आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैम, ये है हमारे सारे कलेक्शंस। ये देखिए आप। आइए सर, नया दिखाता हूं। एकदम नई डिजाइन है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अर्जुन मैं सच में चाहती हूं तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खुश रहने की वजह ढूंढ रहा हूँ। जब से मेरी सच्चाई के बारे में मुझे पता चला है ना, तब से खुश रहने की कोई वजह मिल नहीं रही मुझे। एक वजह थी खुश रहने की, उसे भी अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ मैं। जितना ज्यादा अपनी हालत के बारे में सोचता हूँ ना, उतना ही हेल्पलेस फील करता हूँ मुझे। अर्जुन क्यों सोच रहे हो ये सब? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा फ्रेश हो। ये सब मत ना, ना, ना। मेरी गलती, मैं बातें नहीं करेंगे, हम और कपड़े देखेंगे। आजो। ये इनमें से कुछ पसंद है? अर्जुन ये देखो, प्रिटी है ना? या ये देखो, this हाँ, one।
अर्जुन, ये कैसा है? ये, लेकिन पिया के लिए तो हम इंडियन ढूंढ रहे हैं ना। अर्जुन, पिया के लिए नहीं, मेरे लिए। मुझ पे कैसा लगेगा ये? तुम्हारे लिए? हाँ, अच्छा लगेगा ना। वैसे भी ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर है ना। आई नो ओवी, तुम क्या? अर्जुन, मैं सोच रही थी आज डिनर पे अगर यही पहनूंगी तो ओवी, तुम कैसा लगेगा? अर्जुन, बताओ ना कौन? मुझसे मत पूछो पूर्वी। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ना ये काम करने मुझे मत लाया करो। तुम दोनों रख लो, क्योंकि तुम दोनों में बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों रख लो, ओके? कितने चालू हो ना तुम। पहले अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी ऐसे ही बोला करते होंगे, तुम सारी ड्रेसेस में अच्छी लगती हो और अब मुझे भी वही बोल रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय चालू? मैं चालू लगता हूँ तुम्हें? मिस पूर्वी देशमुख, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो। तुम्हें चाहिए मैं गर्लफ्रेंड्स बनाऊं? नहीं ना, तो दोनों रख लो प्लीज। मुझसे मत पूछो, अभी चलो। देखो, ट्राई करके आऊं? हाँ, ये करो, गो अहेड। एक्चुअली तुम्हारे लिए जो मैं यूके से ड्रेस लाया हूँ ना, वो पहनना, वो दैट्स बेटर। अर्जुन, पर देखो ना, ये भी कितना अच्छा है। ये भी अच्छा है, तुम ये भी रख लो। तुम्हारे पे सब कुछ अच्छा लगता है। Go ahead, go ahead, go ahead. Try कर। Yeah. अर्जुन से बात करने का शायद यही सही मौका है। अर्जुन, कैसी लग रही हूं? See you looking so gorgeous. और इस वक्त तुम्हें देखकर कितने सारे लोग जलेस हो रहे होंगे, पता है? क्यों? क्योंकि you looking beautiful. चले, मैं चेंज करके आती हूं। ना, तुम ये पहन के चल रही हो। ये? हाँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Excuse me. इन्होंने जो जो सामान खरीदा है उनका बिल बना दीजिए प्लीज, और ये पहन के जाएंगे। यस सर। मैम, आप कितनी लकी हैं जो आपको इतने प्यार करने वाले पति मिले। थैंक यू सो मच। आप प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे सॉरी यार, तेरा कॉल आया था, उस वक्त मैं काम में था। क्या होता है प्रॉब्लम का, सॉल्व हुआ है? नहीं, हाँ वो सॉल्व हो गया। एक्चुअली नरेन जी ने सॉल्व कर दिया था। ही इज अ जीनियस। ताई दादा, ये देखो हमारे घर पे क्या है। क्या है? अरे भाई साहब, ये क्या है? सर, ये आपका काउच। क्यों, किसने मंगाया? ये जरूर बाबा ने मंगाया होगा। बाबा, ये काउच आपने ऑर्डर किया है? क्या जरूरत है इतना महंगा काउच ऑर्डर करने की? बाबा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? या फिर से? अरे नहीं रे, हम नहीं मंगाए इसको। तो फिर किसने मंगवाया? अरे वो लॉटरी बाटरी में जीते होंगे सर, भरत में जाए देना। भैया बहुत बढ़िया है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। भाई साहब, आप इसे लेके जाइए, हमें कोई काउच नहीं चाहिए। अरे पगला गया का, बहुत महंगा रहते। नहीं ले जा सकते सर, नरेंद्र सर ने भेजा हुआ ये। तो फिर मिस्टर नरेंद्र को बोल दीजिए कि हमें कोई काउच नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। उका मत सुनिए, बहुत अच्छा होंगे, कहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। ठीक है, चाहिए। भैया मैंने कहा ना, लेके जाइए। अरे जाए। बाबा, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए होगा तो हम खुद खरीद लेंगे। कहाँ पैसे हमारे पास? समझने की कोशिश कीजिए आप, क्या कर रहे हैं? ये अमीर लोग ऐसे पहनते रहे, आजमाते रहते, पहले एहसान करते हैं उसके बाद में। ए बकलोल, तू अपना दे गुका छोड़। तोरी अगर अंकिता के साथ शादी होती, ये सब दे पाता? अरे औकात नहीं है इसकी। कहा बाबा बात कर रहे थे, जाए दे रहे। शशांक सर, ए हम लोग का काम करें। दैट ब्रो, जब से आपकी शादी हुई है आपके पास तो अपने छोटे भाई के लिए टाइम ही नहीं है, और ये छोड़ो आप तो घर पे भी नहीं दिखते। What's the matter? हाँ, वो मैं आना के घर गया था ना पग फेरी की रस्म के लिए, बहुत मजा आया, मैंने किसी को मिस नहीं किया। आई नो, किसी को मिस क्यों करोगे, जब आना आपके साथ होती है तो आप किसी को मिस तो करते ही नहीं हो। एनीवेज, वो आपका चोल का एक्सपीरियंस कैसा था? ए यार ब्रो, बहुत मजा आया। तुम्हें पता है मैंने वो सब किया जो मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में। तुम्हें पता है मैं जमीन पे सोया। What? हाँ, I mean, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने वहां पे चोर पकड़ा, लाइव चोर, चीनी चुराने आया था, मारा पकड़ के, पुलिस में देने ही वाला था लेकिन शायद आना को तरस आ गया। बहुत अच्छी है ना, उनके नेबर है इसलिए माफ कर दिया। वहां पे कॉमन नल से पानी भरा और सबको पानी भरना सिखाया भी।
और तुम्हें पता है बच्चों के साथ पतंग उड़ाई वो ना सोनू और प्रणव उनके साथ मैंने काइट फ्लाइंग की अटक गई थी पतंग फिर मैं लेके भी आया फिर थोड़ी सी पतंग फट गई और प्रशांत है ना उसका एक एल्जेब्रा का सम सॉल्व नहीं हो रहा यूं सॉल्व कर दे दिया मैंने उसको और मानसी आई मीन उसके साथ कुछ नहीं किया क्या आपने मानसी वो भी बहुत स्वीट है पता कितना पुराने जमाने का फोन यूज कर रही थी मैंने उसको अपना फोन दे दिया दैट्स ग्रेट फिर तो आपके पास उसका नंबर भी होगा ना 9769 44 तुम्हें पता है इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी ना आना ने लौकी की कि मेरा मन कर रहा था उससे खाते ही जाऊं वहां भी आना ही खाना बनाती थी मानसी ने कुछ नहीं बनाया आई मीन आपको अपनी साली के हाथ के खाने का टेस्ट पता चला या नहीं आई एम श्योर वो अच्छा खाना बनाती होगी लेकिन आना जैसा थोड़ा ना बना पाएगी अब आना के हाथ का खाना तो आप रोज खाओगे लेकिन साली के हाथ के खाने में जो बात है ना वो कहीं नहीं हाँ सीरियसली और देखो साली के हाथ का खाना तो कभी कभी मिलता है इसीलिए उसमें ज्यादा स्वाद भी होता है और ज्यादा प्यार भी नो 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 आर यू सेइंग कि मानसी आना से अच्छा खाना बना सकेगी यस व्हाई नॉट आई डोंट थिंक एक काम करता हूँ फोन करके उसको अरे नहीं ब्रो वेट लिसन We'll keep it as a surprise, huh? हम लोग सब उनके घर चलते हैं और फिर आप मानसी को कहना खाना बनाने के लिए Let's see कैसा खाना बनाती है अच्छा you mean like a surprise test जो स्कूल में देते थे Yes उनको पता ही नहीं Right फिर देखते हैं कौन अच्छा खाना बनाएगा अगर आना ने अच्छा खाना बनाया तो मैं जीता और अगर मानसी बना सकी तो तुम जीत जाना okay? That's great चल done wait क्यों आना नहीं मानेगी यार I know वो नहीं मानेगी अरे क्यों नहीं मानेगी यार मैं बोल रहा हूँ ना डन डील मैं जो कहूंगा आना वो पक्का मान जाएगी डोंट वरी ठीक है फिर ओके फाइनल बस